हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोल सकते बट ये मैं अपना पेन है एक टाइप का, वो आपको बोल रही हूँ। हमें डेली दिन में शॉप पे लोग आते हैं, 2 से 3 लोग आते हैं, हमें डॉग चाहिए, कैट चाहिए, पेट चाहिए, हमें बताइए कैसे रखना है, क्या रखना है। ये मजा नहीं आ रहा है। इंक्वायरी करना सेकेंडरी होता है बट आप मेंटली प्रिपेयर हो क्या कोई भी डॉग पेट रखने के लिए? आप पहला डिसाइड कर ली, नहीं हमें बच्चे के लिए लेना है, नहीं हमें इसके लिए लेना है, हमें उसके लिए लेना है। पेट शॉप है और सुबह एक लेडी का फोन आया, आपका काम है, मतलब मैं पेट शॉप ओनर हूँ, मेरा क्या काम है उनको सिर्फ बताना कौन सा है? अभी उनको क्या कुछ भी पता नहीं है। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ब्रीड से लेके हर चीज़। शॉप है सब सही है बट मेरे डॉग में हर एक को पता है 360 वैरायटी के डॉग है और उस डॉग ब्रीड में आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से रखना है, आप में प्रिपेयर हो, आपको कितना खर्चा आएगा, वो सब हर कोई बताएगा आपको, ठीक है। बट जो सच बता रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, जो झूठ बताएगा उसको लेके चल रहे हैं। और फिर हमारे पास तो डेली इंक्वायरी आती है, लेना नहीं लेना कस्टमर के ऊपर है, वो सेकेंडरी हुआ। जो सच बता रहा है उस चीज के लिए मैं आज ये बात बोल रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, वीडियो बनाने का बहुत रीजन है। कस्टमर आके पूछते हैं हम क्या करें, किस तरीके से रखें, कौन सा ब्रीड लें। अब 360 वैरायटी के ब्रीड है, चलो इंडिया में सब नहीं अवेलेबल हो पाएगा, 100-200 तो मिल जाएगा, उसमें से आपको कौन सा लेना है, 100-200 में से आपको कौन सा लेना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं आप बताइए, हम कैसे बता सकते, बताइए हमें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, मैं नहीं दिखाऊंगा। कैसे पता चलेगा कि आपसे क्या मेंटेन होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कैसे रखोगे? आपको टॉल ब्रीड चाहिए, लार्ज ब्रीड चाहिए, कैट चाहिए, पैरट चाहिए, वो आपके ऊपर है। आपको कैसा रखना है, किस तरीके से रखना है, वो आपके ऊपर है। और अच्छे से रखोगे तो ही ब्रीड लो या डॉग लो या अडॉप्ट करो, जो भी है। बहुत सारे लोग आते हैं डेली इंक्वायरी करके, मेरे पास दिन में 10-5 इंक्वायरी होता है, फोन पाते हैं हमका है तमका। देखो कैसा होता है, हमें सामने वाले को बताना है, क्या बताना है वही समझ में नहीं आता। कभी कभी दिन में एक ही लेडी है, वो तो अलग अलग नंबर से 3 फोन करेगी और पूछेगी कि हमें अब प्राइस बताओ, प्राइस बताओ। अब मैं अपना प्राइस बताऊं बट लेना कब है, किस लिए कब लेना है या फिर नहीं लेना है या सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हो, आपको खुद को पता होना चाहिए। कैसा होता है इसमें इरिटेटिव हो जाता है, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग है, वो क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको पूछ रही हूँ क्या अप्रोक्सीमेटली, फिर बोलते मेरा बजट 2000 रुपए का। आप मेरी जगह पे हो तो क्या करोगे, 2000 बजट में क्या आएगा बताइए। जो अडॉप्शन इससे बेटर है, मैं हर एक को बोलती हूँ स्ट्रे कैट अडॉप्ट कर लो या फिर स्ट्रे डॉग अडॉप्ट कर लो, आप ये सब कर लो, ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कोई डॉग है जिसका एक्सपेंस मंथली मिनिमम 5-10,000 है, कोई भी ब्रीड हो, अगर वो ब्रीड आपको रखना है उतना एक्सपेंस आप सफर या फिर आप लेना है आपके बजट में है, वो डॉग सिर्फ लेके एक टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लाइव स्टॉक है, उसका मंथली एक्सपेंस है, लेके हर चीज आपको पता होना चाहिए। और फिर आएंगे पूछेंगे और चले जाएंगे, मत कीजिए ऐसा, या फिर फोन करेंगे इरिटेट कर देंगे। लेना है नहीं लेना है, 500 लोग हैं, मुझे तो डेली फोन आते हैं, ऐसा है वैसा है, इंक्वायरी करिए। आपका काम है, हमारा सब काम है। अब मैं इतना सारा गाइडेंस यूट्यूब पे दे रही हूँ, इस चीज को आपने अगर सीरियसली ले लिया कभी भी आपके डॉग को कुछ नहीं होगा, ये मेरा 100% का गारंटी। मैं उसी तरीके से काम कर रही हूँ, जो है वो सच बोल के चल रही हूँ। फेक लोग जो है ना वो बहुत आगे निकल चुके हैं और जो हम कर रहे हैं वो शायद से मे बी लोगों को वो पसंद नहीं आता है, हो सकता है। ये सबके अपनी अपनी मेंटेलिटी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे आते हैं फिर रिव्यू खराब कर जाते हैं, आपने ऐसा बोला वैसा बोला, जो सच है वही बोला, झूठ क्या बोलना है। बजट में नहीं है, खाना क्या खिलाओगे उसको, कैसे रखोगे उसको, आप उसको मेंटेन कर पाओगे, सुसुपोटी को लेके जाओगे, आपका बच्चे को आपने मेंटेन जैसे किया है उसका खर्चा चला रहे हो, इस बच्चे का खर्चा चला पाओगे? हो सकता है हम गलत है बोलने के लिए, आप फिर उससे अच्छा है आप स्ट्रे डॉग अडॉप्ट कर लो, वो जो हर कोई बोल रहा है या फिर जो एनजीओ सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास जाओ, मुझे डॉग अडॉप्ट करना है, आप उनसे अडॉप्ट कर लो। मेरा क्लियर बोलना है, गलत सही वो सब पता नहीं, बट जो डॉग लवर है वो यही बोलेगा, पैसा खर्चा भी मत करो। जो उसको अगर स्ट्रे डॉग रखा है उसको भी अगर आप अगर खर्चे, बहुत सारे लोग ऐसे केसेस मेरे पास हुए हैं जिनको सिर्फ डॉग बच्चे के लिए लेना था, उसके बाद उन्होंने उसको किसी को तीसरे को ही दे दिया। मत करो ना ऐसा, हमें भी बुरा लगता है। आज हम 50 सोचते हैं इसको दे या नहीं दे, किस तरीके से रखेगा,
पैसा हर कोई खर्चा करता है, पैसा खर्चा करना वो ठीक है सेकेंडरी हुआ, लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कितना खर्चा है और क्या है, किस तरीके से रखना है। आप ना पहली बात कैसा होता है, ये मैं भी मेरा एक अलग तरीके से आज रिएक्शन आया, जरूरी था ये मैं पहुंचा रही हूँ आप तक कि लोग ऐसे तरीके से है, हो सकता है गलत हो सकती हूँ मैं गलत हो सकती हूँ, बट हर टाइम तो मैं गलत नहीं हूँ ना, कभी ना कभी मैं सही हो सकती हूँ। मैं आपको गाइड कर रही हूँ, फ्री गाइडेंस दे रहे हैं हम लोग, उस चीज का चार्जेस नहीं ले रहे, तो उस चीज का लोग फायदा उठाते हैं, आते हैं पूछ के चले जाते हैं और पता नहीं फिर कहीं से कचरा। मेरे पास कल का रात का एक बताती हूँ, मेरे पास पूछ के गई, मैंने शिज्जू का प्राइस बताया, मुझे बोलती है मैंने उसकी आधी कीमत में कहीं और से ले लिया। अब बताइए शिज्जू आधा कीमत में ले गया, अब उसको भी पता नहीं है वो शिज्जू है कि कौन सा और ब्रीड है। मतलब गाइडेंस चाहिए आपको फ्री में और हमारा से आपको लेना ही नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए जो आपको अच्छा गाइडेंस दे या फिर आपको जो फ्री गाइडेंस दे। गलत सही क्या होता है हमें भी समझ, बिजनेस है मेरा, बट ऐसा नहीं है कि मैं गलत सिखाऊ गलत बोलूँ, उसके पीछे हमने भी 20 साल अपने इंडस्ट्री में दिए है और इतना गारंटी से बोल सकते हैं वो बच्चे को कुछ नहीं होएगा, उतना गारंटी से। बट लोगों को सस्ता चाहिए, कचरा चाहिए, कहाँ से देंगे कचरा, हमारा तो क्रॉफर्ड मार्केट नहीं है कि कुछ भी उठा लिया दे दिया हमारे बच्चे को बीमार, वो सब हमारा है नहीं, हमारा जो है वो प्रॉपर है। वैसे में भी एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा बट उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन डीवॉर्म हेल्थ चेकअप एक्स वाई जेड सब रहेगा आपके पास और उसका गारंटी भी हम देते हैं, बट आपके पास जाने के बाद आप कैसा रख रहे हो उसके ऊपर है, बट 99% तो होता ही है, 1% आपकी गलती हो सकती है एक्स वाई जेड मतलब पेट ओनर की, मैं आपकी नहीं बोल रही पेट ओनर की, बहुत सारे लोग हैं उनको बात ही नहीं समझ में आती, मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, क्या करेंगे, अच्छा बुरा सब होता है और ये सब बातें बोलने का रीजन होता है। लोग आते और हमें कुछ भी बोल के चले जाते, आप ऐसा अरे ब्रीडिंग कर रहे, ब्रीडिंग का मतलब समझ रहे, उसके पीछे हमने अपना पूरा लाइफ दिया है और अच्छे उससे अच्छे बच्चे उससे निकले और लोगों तक पहुंचे, इसको कुछ भी ना हो ये मोटिव है शायद। मैं भी लोगों का मेंटेलिटी अलग है, जो सस्ता मिले वही अपना लोगों का मेंटेलिटी है, या फिर जो भी कचरा मिले वो अपना, वो हमारा नहीं है। गलत सही हमें सब पता नहीं, हमारा काम है मतलब इतना बड़ा काम हमारा है बट हम छोटे लोग हैं, हम अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है, एक दिन आएगा पहुँचेंगे और लोगों को वही बात बोलेंगे कि हेल्दी ब्रीड लीजिए, अपने घर पे रखिए हेल्दी ब्रीड, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे जितने क्लाइंट हैं आज जितने साल में मैंने बोले जितने अच्छे लोग मैंने जमा किए जितने को मैंने डॉग दिया वो सब अभी तक सबके डॉग सर्वाइव किए, ना हेल्थ इशू है ना हमका है ना तमका कुछ भी नहीं, रीज़न ही वही है। बिजनेस सेकेंडरी होता है जब मैं पूरा अपना जान उसमें डाल रही हूँ तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग आते हैं आप ऐसे हो आप ये बोलते हो, सही जो सही है वही बोलते, हो सकता है हम गलत हो, सबका अलग अलग मेंटेलिटी है, किसी को सामने आपके पास जाके कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमको फर्क पड़ रहा है ना, मेरे लिए वो बच्चा मेरा बच्चा है, उसको कुछ हो जाएगा तो मेरा तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, मुझे मतलब सहन ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। बिजनेस सेकेंडरी हुआ लोगों तक ये बात पहुंचाना, क्योंकि क्या होता है कुछ भी बोल देते लोग और कुछ भी करते कुछ भी खिलाते। एक लेडी परसों आई थी डॉग को, जिसने उसको डॉग दिया वो बच्चा ढाई महीने का था, उसको उसने सेरेलैक दिया, आप बताइए ढाई महीने के बच्चे को जो सेरेलैक दे रहा है वो कितना होशियार रहेगा। ओनर का कोई गलती ही नहीं, ओनर को कुछ भी पता नहीं, ठीक है फर्स्ट टाइम बायर था बेचारा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ढाई महीने के बड़ा ब्रीड में सेरेलैक देने वाला उसका क्या हालत रहेगा, पूरा कलर डल था पर ठीक है चलो सर्वाइव कर लिया वो मैं बोल सकती हूँ। बट ऐसे लोग हैं, ऐसे ही लोग आपको डॉग दे रहे हैं जिनका नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर आपको प्रॉपर ब्रीड चाहिए, नॉलेज वाला से आप नॉलेज लोगे, आपको दो पैसा आपने खर्चा किया एक्स वाई जेड, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी का स्कूल का खर्चा बेसिक का खर्चा उसका कितना खर्चा है, आप ज़्यादा अच्छा डालोगे तो अच्छा ही मिलेगा, आगे का फ्यूचर अच्छा रहेगा, सेम बात है सबके लिए। गलत सही वो सब मुझे पता नहीं, बट फ्यूचर अच्छा करने के लिए अभी आपको आपका जो नींव है वो अच्छा करना पड़ेगा। आपको जैसे स्ट्रे फीडर से लेके हर चीज़ आपको हर चीज़ करेंगे, बट आपको अगर कोई भी ब्रीड है उसमें डीप में जाइए,
पैसा खर्चा करना नहीं करोगे तो बाद में खर्चा होगा। तो जो भी ब्रीड में, मेरे से लेना नहीं हुआ, मैं हर एक अपने लिए नहीं बोल रही, बट लोगों का मेंटेलिटी चेंज होना चाहिए। कोई तो हो जो मेंटेलिटी चेंज करे, मैं भी मैं उस तरीके से बात कर रही हूँ या फिर मैं बता रही हूँ, बट होना चाहिए। गलत चीजें गलत हो रही। मैंने यूट्यूब पे इतने लोग देखती हूँ, उनके बच्चों को गैस्ट्रो पार्वो हो रहा है, क्या रीजन है? मेरे सब वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा जो मैं बोल रही हूँ आपको, किस वजह से हो रहा है। बात सुनिए, बच्चों को कुछ नहीं होगा, आप उसको अच्छे से पूरा हेल्दी रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लोगों का मेंटेलिटी चेंज एक टाइम में नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है वो चीज़ के लिए। शुरुआत कर रही हूँ मैं, मे बी आप लोगों को ठीक लगे, सही लगे, गलत लगे, बट यही सही है। सामने वाले का भी थोड़ा सा जो क्या बोल सकते हैं, उस सामने वाला क्या सोच रहा है, उस तरीके से आप उसको सोच लीजिए थोड़ा सा, तभी ये जो इंडस्ट्री है ये सर्वाइव करेगी। अदरवाइज ये जो 20 साल से काम कर रहा है उसको लोग कुछ वैल्यू नहीं है, और जो 2 महीने पहले आया है मार्केट में, जो फेंक रहा है, जो ये इंडस्ट्री में आके झूठ बोल के मार्केट चल रहा है, वो कैसे चलेगा बताइए? बट वही चल रहा है, झूठ अमका तमका एक्स वाई जेड, बच्चा जिए ना जिए, उनको हमको फर्क पड़ता है। बिजनेस हमको चलाना है, वो सेकेंडरी हुआ वो तो चलेगा ही, क्योंकि हम झूठ बोल के काम नहीं करते। मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने ये ऐसा करो वैसा करो, जो ठीक लगे वो कीजिए, बट आपको ये बात याद रखनी है कि आपको उस बच्चे को सर्वाइव कराना है, ठीक से रखना है, उसका लाइफ आपको आगे तक बढ़ाना है। नहीं तो फिर क्या मतलब है, क्यों ले रहे? मुझे कितने फोन आते हैं, मुझे एक दिन के लिए डॉग चाहिए, 2 दिन, माफ कीजिए जो भी सर मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपसे कुछ गलती हो गई तो वो बच्चा सफर करेगा, पैसा मुझे मिलने वाला है तो मैं कुछ भी करूँ नहीं हो सकता, वो मेरा है ही नहीं। पैसा तो वैसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये 3 ही चीजें हैं, झूठ बोल के मैं क्यों काम करूँ, ये फेंक के मैं क्यों काम करूँ। इंडस्ट्री है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, बट ये टाइप के जो लोग हैं उनका मेंटेलिटी चेंज कर लिए मैंने ये वीडियो बनाया। देख लीजिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।